हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सेस में। मेरा नाम है सुजाता परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 नहीं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने पूनम गांधी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलो सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप कोई काम करने जाते हो ना, तो आपके आपको चाहिए होते हैं रिसोर्सेस। उस काम को पूरा करने के लिए आपको चाहिए होते हैं रिसोर्सेस। जो हम पिछले चैप्टर से एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं कि आपके एग्जाम्स है, आपका मेन गोल है कि आपको एग्जाम्स में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो आप अगर आज पढ़ने बैठोगे तो आपने जो टाइम टेबल बनाया, अपनी प्लानिंग करी, आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए ना, बुक्स चाहिए, बेस्ट टीचर चाहिए। ठीक है, आप YouTube वीडियो से सर्च करोगे कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको क्लासेस लगानी है आप लगाओगे। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेस चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग भी वही होती है कि जो भी आपकी जरूरत की चीजें है ना बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जो भी टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाए एक ही जगह पे। कैपिटल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाए एक ही जगह पे, रॉ मटेरियल्स, टूल्स, मशीन्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना क्या क्या चाहिए और उनको ग्रुप करना, अलग अलग एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टूगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कि देखो क्या क्या चाहिए, आप उसको आइडेंटिफाई करो, उनको ग्रुप करो और फिर उनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ। क्या क्या चीजें आएंगी? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी होंगे वो सब कुछ एक जगह पे लाए जाएंगे और टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब इन तीनों चीजों को हम मिला देंगे तब क्या होगा, हम हमारा जो गोल हमने सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे, आपके पैसे आ जाएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज जितने भी होंगे वो सब चीजें जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे। अब इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो ऑर्गेनाइजिंग को क्या बोलते हैं हम एक जनरल वर्ड्स में, कि जितनी भी चीजें होती है, जो भी चीजें हमारे पास है, जो हमें चाहिए, हम उनको ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करते हैं ताकि उनका हम एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाए। व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच शेप्स अ सिस्टम ऑफ वर्किंग। जब मैनेजर एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है जिससे कि वर्किंग को शेप मिले, सिस्टम ऑफ वर्किंग को शेप मिले। जब वो क्रिएट कर देगा एक पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, तभी आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे आपके स्कूल ने स्पोर्ट्स डे कंडक्ट किया, ठीक है, या फिर एनुअल फंक्शन कंडक्ट किया, हो रहा है आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है या स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को कुछ ड्यूटीज असाइन की जाएंगी। ठीक है, वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज, बहुत सारे रिसोर्सेज अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया जाएगा जिसको सब लोग रिपोर्ट करेंगे कि क्या काम हो गया है और क्या काम पेंडिंग है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, ऑर्गेनाइजिंग। क्या होगी, आपने किसी चीज को क्या किया है, आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, सबको डिफरेंट 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 काम दे दिए गए, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, यहाँ से करना है, ये चीजें आपको लानी है, सब कुछ आपने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है और एक कोऑर्डिनेटर को भी अपॉइंट कर लिया है जिसको सब रिपोर्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, ऑर्गेनाइजिंग। चलिए हमारा सेकेंड टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट है
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आता है कि ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना प्लान को, वर्क को एज पर प्लान, कि जो आपने प्लान बनाया है उसके हिसाब से जो भी आपका काम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिवाइड करना, ठीक है। द डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से हमको बचाता है, और ये भी हमको ध्यान में रखना होता है कि मतलब एक ही काम दो लोगों के पास ना जाए, और हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक ही पर्सन के ऊपर एक ही काम का ज्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। काम जो हो वो एम्प्लॉइज में अलग अलग तरीके से शेयर किया जाए, जो मैनेजर होता है ना वो काम को अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग लोगों को शेयर कर देता है, काम को डिवाइड कर देता है अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करके अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम दे देता है, ठीक है। तो जब जब आप आपके पास कम काम होता है, मतलब आपके पास एक ही तरीके का काम होता है, तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो और आप वो काम बहुत अच्छे से करते हो। तो आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब यही है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या काम है और उसको डिवाइड करो अलग अलग लोगों में, ठीक है, जो वो काम कर सकते हैं सब। एक ही के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, और एक ही काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही काम आपने दो लोगों को डिवाइड कर दिया है, छोटा सा काम है और आपने दो लोगों को दे दिया है, तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है। चलो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान, कि आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो एज पर प्लान, ठीक है। द डिविजन ऑफ वर्क मेक श्योर देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि डिविजन ऑफ वर्क मेक श्योर करता है कि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, मतलब दो लोगों को सेम काम नहीं देती है, एंड देर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, और एक ही पर्सन के ऊपर भी बर्डन नहीं डाला। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया जाएगा पूरा काम। द मैनेजर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स में मैनेजर डिवाइड करेगा वर्क को, और ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ जॉब, और हर यूनिट वर्क की क्या बोलेंगे हम उसको, जॉब बोलेंगे। तो हर इंसान को अलग अलग जॉब दी जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, बैंक होता है, बैंक में हर इंडिविजुअल को अलग अलग काम असाइन किया जाता है। एक कैशियर होगा जो एक्सेप्ट करेगा कैश को, दूसरा कैशियर होगा जो पेमेंट करेगा कैश से, एक पर्सन होगा जो चेक बुक इशू करेगा, ठीक है, एक पर्सन होगा जो चेक रिसीव करेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे काम होते हैं बैंक में, इससे क्या होगा, फिर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब्स, द बैंक वर्क वेरी स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली। जब आपने इस तरीके से अपने डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड किया अलग अलग लोगों में, तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहेगा, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो जब हमने स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर दिया हमारे काम को, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर जॉब्स जो होती हैं उनको एक ही डिपार्टमेंट में हमको रखना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, डिपार्टमेंटेशन हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है पर अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। तो एक पर्टिकुलर जगह का काम हम एक डिपार्टमेंट के अंदर कर देंगे, मतलब समझ में नहीं आया होगा, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं फिर सब समझ में आएगा। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टूगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जो एक जैसी जॉब्स होती है ना, हम उनको एक साथ लाते हैं और एक ही डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। द डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे। जो डिपार्टमेंटेशन होता है ना, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन इसके दो तरीके हैं। देखो जो मेन जो टू फंक्शंस है वो दो है। पहला आता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी एक कॉमन फंक्शन है ना, ठीक है, कॉमन डिपार्टमेंट, उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। देखो जो भी कॉमन फंक्शन है उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जैसे कि जो भी जॉब्स होंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी जॉब होंगे हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। जितने भी सेल्स से रिलेटेड जॉब होंगे हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम होगा, जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा, वो उसको हैंडल करेंगे। सेल्स से रिलेटेड सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट में आएगा। तो सिमिलर फंक्शन के जो जॉब्स होती हैं उसको हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट। आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, टेक्सटाइल्स भी बनाती है, ठीक है, अलग अलग चीजों के प्रोडक्ट्स को बनाती है।
तो जितना भी कॉस्मेटिक्स का काम होगा, कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट होगा, हम उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। फिर टेक्सटाइल का जितना भी प्रोडक्शन और सेल्स का काम होगा, अब इस बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट ऐसे नहीं बनाया हमने, इस बार डिपार्टमेंट बनाया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, कि अगर आप अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस हिसाब से आपने डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट के अंदर आपने दोनों को इकट्ठे डाल दिया। When an organization is producing more than one type of products, जब एक से ज्यादा products बनाए जा रहे हैं, then they prefer divisional department, तब वो divisional departmentation को prefer करते हैं। इसमें क्या होता है, under this job related to one product are grouped under one department, एक product से related जितने भी job होंगे उसको एक department में डाल देंगे। For example, if an organization is producing cosmetic, textile, medicines, then job related to production, sales and marketing of cosmetics, cosmetics से related जितने भी जॉब होंगी जैसे प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग वो सब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। और जॉब रिलेटेड टू टेक्सटाइल अंडर वन एंड सो ऑन, और टेक्सटाइल से रिलेटेड टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में आ जाएंगे और ऐसे ही बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हमने देखो काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अब हर इंडिविजुअल अलग 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 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको अलग अलग ड्यूटी हमने दे दी। और हमने ड्यूटी कैसे दी, जो उसकी स्किल्स थी, जो उस पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिफिकेशन थी उस हिसाब से हमने उसको काम दे दिया, उसकी जो एबिलिटी थी उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस इंडिविजुअल की एबिलिटी थी जो काम करने की उस हिसाब से हमने उसको वो काम दे दिया। कोई अकाउंटेंट है, हम उसको अकाउंटेंट की ही जॉब देंगे ना, हम उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं बना देंगे ना, कोडिंग करने नहीं बिठाएंगे हम उसको, अकाउंटेंट की जॉब देंगे। तो जिसमें जिसकी क्वालिफिकेशन है, जिसकी स्किल्स है, हमने उस हिसाब से उसको ड्यूटी असाइन कर दी। और उनको हम जब ड्यूटीज असाइन करते हैं तो हम उनको डॉक्यूमेंट देते हैं जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होता है क्या क्या उनको काम दिया गया है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जॉब के, उस जॉब के प्रति, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। थर्ड पॉइंट, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, जब स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में हमने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इज असाइंड ड्यूटी, और उसको हमने एक ड्यूटी असाइन करी है मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। कैसे असाइन करी है, जो भी उसके स्किल और क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, उसकी क्या एबिलिटी है उस हिसाब से हमने उसको वर्क असाइन किया गया है। एम्प्लॉय आर assigned duties by giving them a document called job description, हमने उनको ड्यूटी असाइन करते टाइम एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब, जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंटेंट जो भी है वो सब उसमें बताई जाती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा establishing reporting relationship, ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, मतलब कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन लोअर लेवल मैनेजर है, कौन हायर लेवल मैनेजर है, ये सारी चीजें जो भी है मैनेजमेंट की वो सब बताई जाती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, और उन सबके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। After grouping the activities in different department, the employees have to perform the job, and to perform the job, every individual needs some authority. देखो जब हमने डिवाइड कर दी ड्यूटीज तो हर इंसान को काम करना है, काम करना है तो हर इंसान को अथॉरिटी चाहिए कुछ। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑल द इंडिविजुअल आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म, तो उनको कैसे अथॉरिटी दी जाती है उस जॉब से मैचिंग उस जॉब की मैचिंग जिस जो उनको काम करना है, जो उनको जॉब करनी है। The assignment of the authority results in creation of superior subordinate relationship. जब आप authority assign करते हो इससे क्या आता है, superior subordinate relationship निकल के आता है, और question निकल के आता है who reports to whom is clarified. जो question होता है कि कौन किसको report करेगा वो पता लग जाता है कि कौन senior है कौन junior है। The individual of higher authority become the superior and with less authority become the subordinate. जिनको ज्यादा authority मिलती है वो superior बन जाते हैं, ठीक है, और जिनको कम authority मिलती है वो subordinate बनते हैं। With the establishment of authority, managerial hierarchy gets created.
यानी कि मैनेजरियल हायरार्की यानी कि चेन ऑफ कमांड बन जाती है एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलोज हिज हायरार्की। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो है वो हायरार्की को फॉलो करते हैं, मतलब एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को जाके पहले कोई भी बात होगी दिक्कत होगी बताएगा, फिर उसका सुपीरियर आगे जाके बताएगा, ये सबॉर्डिनेट डायरेक्ट सीधे टॉप लेवल मैनेजर के पास नहीं जाएगा, वो अपने सीनियर के पास जाएगा पहले कोई भी दिक्कत होगी, तो आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते हो, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलता है, ठीक है, चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। जो अथॉरिटी है मैनेजरियल लेवल को क्रिएट करने में भी मदद करती है। द मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसिडर्ड एट टॉप लेवल मैनेजर। जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जिनके पास उनसे थोड़ी कम होती है वो मिडल लेवल मैनेजर्स बनाए जाते हैं, और जिनके पास बहुत कम अथॉरिटी होती है उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट में रखते हैं। सो विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म देयर जॉब्स एंड एवरीवन नो हु विल रिपोर्ट टू हुम। तो जब आपने अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी है तो सब अपना काम करते हैं और सबको पता होता है कि किसको किसको कब किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स थे हमारे इसके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के। चलो अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ 7 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, कि देखो जब आपको एक पर्टिकुलर काम सौंप दिया गया है, ठीक है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के हिसाब से एक काम दे दिया और आप उस काम को डेली करते हो, जब आप उस काम को डेली करते हो तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो उस काम के। तो ऐसा होता है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग के ये एक इम्पॉर्टेंस है कि आपको जब एक काम दे दिया और आप डेली उस काम को कर रहे हो तो आप स्पेशलाइज हो जाते हो। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। जो भी कुछ काम दिया जाता है, ठीक है, उनको पूरा का पूरा टास्क नहीं दिया जाता है, पूरा पूरा काम नहीं करना उनको, उस पर्टिकुलर काम का छोटा सा पार्ट दिया जाता है। ड्यू टू दिस डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, कि जो स्मॉलर यूनिट्स में हमने काम डिवाइड किया और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमने आपको काम दिया है, उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। The specialization automatically comes when an individual is performing one job repeatedly. Specialization तब आती है जब एक ही काम को एक ही बंदा बार 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 करे जा रहा है, तो specialization आ जाएगी। Second point आता है हमारा clarity in working relationship। देखो जब आपको बता दिया गया है कि ये superior है ये subordinate है, तो सबको पता होता है कि किसको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, इसको भी पता है इसको किसको रिपोर्ट करना है, और इसको पता है कि इसको किससे रिपोर्ट होना है, ठीक है, सबको पता होता है कौन उनका सुपीरियर है कौन उनका सबॉर्डिनेट है, ठीक है। तो ये भी हमको ऑर्गेनाइजिंग का फायदा मिलता है इस सीरियल में। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से हमको पता होता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन को कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है उसके पास। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू होम ही कैन गिव ऑर्डर, सबको पता होता है कि उसको किसको ऑर्डर देने हैं, और ये भी पता होता है कि एंड फ्रॉम होम ही हैज टू रिसीव द ऑर्डर, कि और किससे उसको ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग, कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का क्या रिलेशन है ये ऑर्गेनाइजिंग में क्लियरली डिफाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, ठीक है, हर इंसान को एक ही काम दिया गया है वो वही कर रहा है, और एक पूरा डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि किसको क्या काम करना है, तो जिसकी वजह से सेम वर्क दो लोग नहीं कर रहे होते। तो रिसोर्सेज का जो होता है ना यूटिलाइजेशन पूरा ऑप्टिमम तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम को दो दो लोग कर रहे हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, एक का काम तो वेस्ट हो जाएगा, जब दो बार काम हो गया तो एक बार का तो वेस्ट ही है। तो इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या फिर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जॉब्स आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हमने उनको जॉब पे रखा तो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में उनको जो भी थे सब कुछ बता दिया कि उनको क्या करना है कैसे करना है, तो जिसकी वजह से सो देर आर नो चांसेस दैट द सेम वर्क इज परफॉर्म बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स, कि सेम काम दो या दो से ज्यादा लोग नहीं कर सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट आता है अडॉप्शन टू चेंज, कि देखो जब भी किसी प्लान में किसी तरीके का कोई चेंज आ गया, मान लो उसको अडॉप्ट करना है, हमने प्लान बनाया था, प्लानिंग में चेंज आ गया, उसको अडॉप्ट करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हमने उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा गया कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट, मान लो सेल्स में कुछ चेंज आया सेल्स से रिलेटेड, तो सेल्स डिपार्टमेंट उसको इजिली अडॉप्ट कर लेगा, बाकी डिपार्टमेंट को अपने काम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट उसको इजिली अडॉप्ट कर लेगा और उस तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो ये फायदा होता है अडॉप्शन टू चेंज, मतलब कि चेंज को अडॉप्ट करना इजिली हो जाता है। Whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing function, creates different department and group related activity under each department. With this, changes can be adopted only in that area which may be affected by these changes, and changes can be easily communicated to whole organization through departments. देखो जो भी चेंज है वो अलग जिस डिपार्टमेंट में है वो इजिली अडॉप्ट कर लेगा उसको, और बाकी जो भी चेंज आया होगा वो बाकी डिपार्टमेंट्स को इजिली कम्युनिकेट कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबिलिटी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमारा बहुत इफेक्टिव होता है। In the organizing function, the similar and related job are grouped under one department, which leads to unification of efforts and harmony in work. कि देखो जो भी similar काम होते हैं वो एक department में हमने डाल दिए। The organizing function establish relation between different department, keeping in mind the coordination among different department. जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में भी एक क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बना के रखता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव। देखो जो भी क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं कि कितनी सेल्स हमको करनी है उसी हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि इसने कितना प्रोड्यूस करा उसी हिसाब से हम सेल करेंगे। तो क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलती है ना हमारी वो इफेक्टिवली चलती रहती है क्योंकि दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब हम यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बिल्कुल ऑप्टिमम तरीके से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, हमने प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटेशन किया है, तो कंपनी जो भी चैलेंजेस आते हैं ना उनको इजीली मीट कर लेती है और अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है एक प्लान्ड मैनर में, ठीक है। तो जब आप पूरे सही तरीके से हर चीज फॉलो करते हुए जा रहे हो तो आपकी ग्रोथ होती है, आपकी एक्सपेंशन होती है आपकी कंपनी की। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, देखो जो मैनेजर्स होते हैं नए नए चैलेंजेस आते हैं तो उसमें नए नए तरीके लेकर आते हैं, तो क्या होता है इससे कि उनका जो अपना पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे ग्रोथ होती है कंपनी की और मैनेजर्स की अपनी खुद की ग्रोथ भी उनकी होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। By delegating the routine, the managers can concentrate to develop new methods and ways of performing job. कि managers होते हैं नए नए तरीके और नए नए काम को करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। It gives them time to innovate new technology. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग उनको टाइम देता है कि नई नई टेक्नोलॉजी और ग्रोथ के लिए नए नए एरिया को ढूंढ के लाए। डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूसेस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर बट इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू यूज एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल फॉर मोर क्रिएटिव वर्क। डेलीगेशन उसके काम को कम ही नहीं करता लेकिन उनको मोटिवेट भी करता है कि अपने अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करो, नए नए क्रिएटिव वर्क करो। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी बोल सकते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट आता है अब हमारा फोर्थ टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, मतलब कि जब जब भी कोई मैनेजर
काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमको जॉब पोजीशंस बताता है, अथॉरिटी बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है हर एक एम्प्लॉय का। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, क्या जॉब पोजीशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अथॉरिटी क्या है हर लेवल पे, हर मैनेजर की या हर एम्प्लॉय की, और इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजीरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। ये वो फ्रेमवर्क होते हैं जिसके हिसाब से जो भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेस, जो भी लोग हैं उनमें और काम में और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप को ये स्पेसिफाई करता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप देता है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर, ठीक है, कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को और या फिर सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, या फिर हाउ मैनी सबॉर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर, कि एक सुपीरियर कैसे कंट्रोल कर सकता है, कितनों को कर सकता है। व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड, जब ये सब एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, देन द मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को उसको अपने ध्यान में रखना पड़ता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस प्रॉपरली ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इससे हम बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि देखो आपने अब बना दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रेडी है, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर बन चुके हैं, तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है। अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब में चेक बना रहता है कि क्या किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो उसको पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपको क्या करना है, क्या तरीका है काम करने का, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमको बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है और हमें बताता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल, स्पैन ऑफ कंट्रोल हर लेवल पे और मैनेजमेंट का लेवल कौन, टॉप लेवल मैनेजर्स, हाई लेवल, मीडियम लेवल मैनेजर्स या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबके बीच सबका लेवल बताता है हमें और स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बताता है ईच लेवल का कि किसके कंट्रोल में कितने एम्प्लॉई सबॉर्डिनेट आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और डिविजनल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब एक्टिविटीज को या जॉब्स को हम ग्रुप करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो हम उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कि जो कि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, सेल्स से रिलेटेड सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, परचेज से रिलेटेड सारा काम परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे, और ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। जब हम विद इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो ग्रुपिंग करते हैं तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन बनता है। मतलब स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में क्या होता है कि जब हम विद इन द डिपार्टमेंट ग्रुपिंग करते हैं, इवन टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग भी होती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ रीजन के हिसाब से कर दी, साउथ वेस्ट रीजन के हिसाब से कर दी, इस हिसाब से भी ग्रुपिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है हम उसको और भी आगे क्लासीफाई करते हैं कि जैसे स्टोर डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, ये सब चीजें भी हम उसमें फर्दर ग्रुपिंग भी कर देते हैं। विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट अ चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट इज क्रिएटेड टू वर्क सिस्टमेटिकली, हर डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की एक चेन बनी हुई होती है जो कि चेक करते रहते हैं काम को सिस्टमेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम फंक्शनल डिपार्टमेंट की। सबसे पहला आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है
वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. तो दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. मैन पावर की जो एफिशिएंसी है उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं. एज बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स एंड दे बिकम स्पेशलाइज इन देयर टास्क. कि जब उनको डेली सेम काम करना है तो वो स्पेशलाइज बन जाते हैं उस पर्टिकुलर काम में. नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट. देखो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, एक ही डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट हमने बना दिया है, तो सुपरविजन करना बहुत इजी हो जाता है. इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. जो मिनिमम कॉस्ट लगते हैं इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होता है. इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, दिस रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअरिंग ऑफ कॉस्ट. जब आपका डुप्लीकेशन ही नहीं होगा तो कॉस्ट तो कम लगेगी, नुकसान होगा ही नहीं. इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग. ठीक है, लिमिटेड स्किल्स के लिए ट्रेनिंग होती है तो फिर वो इजी रहता है. ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस. ईच फंक्शन जो होता है उनको पूरी तरीके से अटेंशन दी जाती है अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स होते हैं आपके पास. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होते हैं प्लेस इंफेसाइज ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड. कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फंक्शनल हेड के ऑब्जेक्टिव पे कम देते हैं. दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. दिस मे लीड टू परस्यूइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा गेन करने में हमको दिक्कत आ जाती है. प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन. एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट. फेल होगा. ठीक है, क्योंकि देखो हर डिपार्टमेंट अपने काम में स्पेशलाइज हो चुका होता है तो दूसरे डिपार्टमेंट को वो कम समझता है. कम मतलब उनको नहीं, उनकी दिक्कतों को समझ नहीं पाता है कि क्या उनकी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या उनको दिक्कत आ रही होगी, तो उनके उनसे रिलेटेड वो चीजें समझने में दिक्कत करता है. इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है. इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया और स्किल ओनली. दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट. देखो जब इस डिपार्टमेंट में जब भी कोई काम करने आता है तो उनको यही लगता है कि बस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक ही हम रह जाएंगे, हम अलग डिपार्टमेंट में नहीं जा पाएंगे और अलग डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस हम नहीं गेन कर पाएंगे. ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट आता है हमारा. कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देर कैन बी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है. जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन गिविंग डिस्काउंट टू इंटरेस्ट सेल. फाइनेंस डिपार्टमेंट पुट्स ऑब्जेक्शन एज इट विल रिड्यूस द रिवेन्यू. सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा डिस्काउंट दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि इससे पैसे कम आएंगे, भाई हम नहीं देते. तो ये भी इनमें दिक्कत आती रहती है. डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव द डिपार्टमेंट हैड ब्लेम अदर डिपार्टमेंट एज ऑल डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देखो जब क्या होता है, हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर ब्लेम डाल देगा कि उसकी वजह से हुआ, और ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी वजह से एक्चुअल में दिक्कत आई. द सेल्स डिपार्टमेंट, देखो एग्जांपल देखो, द सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लेम प्रोडक्शन फॉर पुअर क्वालिटी. सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ब्लेम डाल देगा कि पुअर क्वालिटी थी. प्रोडक्शन आउटपुट में पास ब्लेम ऑन परचेज फॉर लो क्वालिटी. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल देगा परचेज डिपार्टमेंट ने लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा था. ठीक है, जिसकी वजह से परचेज डिपार्टमेंट बोल देगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस नहीं किया था अच्छे से, जिसकी वजह से हमने लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा था. तो फिर ये दिक्कत आने लग जाती है. सुटेबल कहाँ है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन के हिसाब से हो, स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, छोटे छोटे काम हो, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब हो, यूनी प्रोडक्ट और सिंगल वन और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी हो, जहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है.
डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फिर उनको उन प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने बनाया था ना कि एक कंपनी कॉस्मेटिक्स और टेक्सटाइल्स बनाती है, तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में डाल देंगे, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट को, तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। When the organization is large in size and is producing more than one type of product, then activity related to one product are grouped under one department. ठीक है? For example, if an organization is producing soap, textile, medicine, cosmetics, then all the activity related to medicine will be grouped under medicine department. Medicine से related सारी activity medicine department में जाएंगी, textile से related textile में जाएंगी and so on. Divisional structure is suitable only to multi-product manufacturing large organization. ये सिर्फ उन्हीं में suitable होता है जहाँ पे बहुत सारे products बनाने होते हैं. Advantages क्या है, जहाँ पे हमें product specialization मिल जाती है. ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज। फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हमें एक ही तरीके का डिसीजन लेना है, तो डिसीजन भी बहुत जल्दी जल्दी लिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी रहती है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे ब्लेम नहीं डाल सकते। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फास्ट डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक्सपेंशन और ग्रोथ होती रहती है, न्यू डिपार्टमेंट्स को हम ऐड करते रहते हैं बिना अपने पुराने डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगता है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की नीड होती है। प्रोडक्ट फोकस्ड डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है, ठीक है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं देता वो। कन्फ्लिक्ट रहता है हर डिपार्टमेंट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके कि ये किसके पास कितना रिसोर्सेज जाएगा, इससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फिर इंक्रीज इन कॉस्ट, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सुटेबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ वहाँ जो मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं उस जगह हमें इनको चाहिए, ये चाहिए होते हैं, जहाँ पे हमको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है वहाँ पे ये फंक्शन हम यूज करते हैं। Organization which require each division to be self-contained as under divisional structure. Each department has production, sale, finance department. हर department को जब अपना self-control चाहिए होता है। Growing company which plan to add more line of product in future. वहाँ पे need होती है इसके, जहाँ पे ज़्यादा products को launch करने वाली होती है कोई company. Difference क्या है functional और divisional structure में? सबसे पहला आता है बेसिस फंक्शनल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के बेसिस पे बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पे। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। अकाउंटेबिलिटी मुश्किल होती है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे फिक्स रहता है क्योंकि डिपार्टमेंट जो होते हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। इकोनॉमी कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल होता है, ये इकोनॉमिकल नहीं होता, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं तो सबके लिए रिसोर्सेस अलग अलग देने पड़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, लेस चांसेस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज इन वन फंक्शन ओनली, कि एक ही काम बार बार कर रहे हो तो उसी में वो अपना स्पेशलाइजेशन दिखाता है, लेकिन वो अलग काम में नहीं दिखा पाता क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं मल्टी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं मैनेजर्स के डेवलपमेंट के। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है और यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। कोऑर्डिनेशन, कंपेयर टू डिवीजन लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट बेटर, यहाँ पे मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से लेस कोऑर्डिनेशन होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि ऑल सारी एक्टिविटीज वन प्रोडक्ट मतलब एक ही डिपार्टमेंट में होगी, तो सब कोऑर्डिनेशन उनका बना रहेगा, एक ही जगह पे है सारे उनके डिपार्टमेंट्स। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, लेस ऑटोनॉमी रहती है ऑक्शन की, यहाँ पे ज्यादा रहती है। सुटेबल या ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, ये मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।